हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 26 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। न्यूज़ डिस्कशन की तरह हम आगे अग्रसर वो होते हैं। पहली जो हमारी यहाँ पे न्यूज़ आई है वो आई है नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में। न्यूज़ क्या है, कंटेक्स्ट क्या है? न्यूज़ या कंटेक्स्ट ये है कि भारत के राष्ट्रपति ने नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड हैं वो अभी अनाउंस है, वो की हैं। ये आई है बेसिकली न्यूज़। तो न्यूज़ कुछ इतनी खास नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल सर्विस स्कीम है वो क्या है। देखो, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है उसके द्वारा कंडक्ट है, वो की जाती है। इस स्कीम को लॉन्च किया था 1969 में। आपको पता है गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी कब थी? 1869 में गांधी जी का जन्म है वो हुआ था, और 1969 में उनकी 100वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी इसी उपलक्ष्य में इसको लॉन्च है वो किया गया था। इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखना कि इसरो की स्थापना भी 1969 में की गई थी। ये एक भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर वो हो जाता है। अब थोड़ा हम बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि बना था 1956 में, इसके द्वारा, इसके उस टाइम पे जो हेड थे राधा कृष्ण जी, डॉक्टर राधा कृष्ण जी, उनके द्वारा बेसिकली इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था नेशनल सर्विस को। मोटो क्या था इसका? इस स्कीम का एम या मोटो उस टाइम पर यह रखा गया था कि स्टूडेंट और जो टीचर है ना, इनके बीच में जो लिंक है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब किसी भी तरह के डाउट्स हो, वो टीचर से आराम से शेयर है वो कर सकें। टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन्स हैं काफ़ी अच्छे होने चाहिए, प्रगाढ़ रिलेशन होने चाहिए, लिंकेज को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है। इसी के साथ ही कैंपस और कम्युनिटी है उनके बीच में भी रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं वो क्रिएट करने हैं। स्टार्टिंग में जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी वॉलेंट्री बेसिस पे, ये आपको फिर ध्यान में रखना है। नेशनल सर्विस स्कीम का जो मोटो वो है नॉट मी बट यू, मतलब कि मैं ही नहीं आप भी इसमें हो, ये इसका मोटो है। अब देखो कुछ हम इसके और थोड़े फैक्ट और देखते हैं थोड़ा डीपली, तब आपको चीज़ और अच्छे से क्लियर है वो होने वाली है। जैसे इसके टारगेट्स ही हैं कि अंडरस्टैंड द कम्युनिटी इन विच दे वर्क, मतलब कि जहाँ जिस भी कम्युनिटी में कोई भी पर्सन रह रहा है उसमें काम कर रहा है तो वो उस कम्युनिटी को समझे, वहाँ के कल्चर की हर चीज़ की रिस्पेक्ट है वो करें। इसी के साथ ही कोई भी कम्युनिटी है उसके बीच में अपने रिलेशंस है वो बनाएं और उनके साथ भी तालमेल बैठा के काम है वो करें। इसी के साथ आपसी सामाजिक और नागरिक यानी कि सोशल और जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अपनी जिम्मेदारी है, उनसे भागे नहीं, उनकी तरफ भी अपना ध्यान है वो अग्रसर करें। इसी के साथ ही सोसाइटी की, कम्युनिटी की क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करना, किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को टेकल करना है और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं इनके ऊपर फोकस करना। इसी के साथ ही जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, इसके साथ ही जो स्किल डेवलपमेंट है इसके ऊपर फोकस करना। और अगर हम बात करें तो नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब कि भारत है उसको यूनिटी में रखना, इसी के साथ ही सोशल हारमोनी है इसको इम्प्रूव करना, ऐसी प्रैक्टिसेज को एक अंजाम है वो देना। इसी के साथ ही डेवलप कैपेसिटी टू मीट इमरजेंसी एंड नेचुरल डिजास्टर, मतलब कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है या कोई भी ऐसी इमरजेंसी है तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, उसके लिए हमें जो भी स्टेप उठाने हैं उनके लिए बिना झिझक उनकी तरफ काम को कंप्लीट करना है। तो कुछ इस तरीके के टारगेट रखे गए हैं नेशनल सर्विस स्कीम के, जो कि आपको ध्यान में रखना है 1969 में गांधी जी की बर्थ, 100वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी उस उपलक्ष्य में स्टार्ट है वो की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है गांधी सोलर पार्क एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स। देखो कंटेक्स्ट ये है कि भारत की गवर्नमेंट ने लगभग $1 मिलियन से 50 किलोवाट का सोलर पार्क बनाया था यूनाइटेड नेशन में, और वो बेसिकली उनको गिफ्ट है वो किया है, मतलब इसमें 50 किलोवाट की इसकी एनर्जी कैपेसिटी है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री जो न्यू एंड रिन्यूएबल है उसकी तरफ से भी आप बोल सकते हो कि अच्छा स्टेप उठाया गया था। खैर, मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल का अकेले का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आपको पता है कि हमारे देश के अंदर कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्स है या उसको प्रमोट करना है तो मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसके द्वारा प्रमोट है वो किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना कि गांधी सोलर पार्क है वो कहाँ बनाया गया है और किसने बनाया है, ये आपको दो चार फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है सस्त्रा रामानुजन प्राइस के बारे में। देखो, रामानुजन का नाम आते ही आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए कि ये एक महान गणितज्ञ या मैथमेटिशियन थे, ये आपके लिए फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है। मतलब कि ये जो अवार्ड है या ये जो प्राइज है, पुरस्कार है, वो मैथमेटिशियन के फील्ड में दिया जा रहा है। तो बेसिकली ये जो अवार्ड है 2019 का, ये दिया जा रहा है इंग्लैंड के एक प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका नाम है एडम हार्पर को ये अवार्ड से नवाजा है वो जा रहा है। ये अवार्ड देता कौन है? देखो, तमिलनाडु में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सस्त्रा यूनिवर्सिटी, जो कि बेसिकली
कुंभकम में, तमिलनाडु में एक जगह है कुंभकम, वहाँ पे है सस्त्रा यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा इस प्राइज़ को हर साल है वो दिया जाता है। और बेसिकली दिसंबर 22 को जो रामानुजम, जो कि महान गणितज्ञ थे इंडिया के थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ही इस अवार्ड को हुआ है सम्मानित है, इस प्राइज़ को दिया जाता है, ये आप ध्यान में रखना। इस अवार्ड के तहत $10,000 की जो अवार्ड राशि है वो दी जाती है, इसी के साथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। बट इसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो भी मैथमेटिशियन है या भी जो भी गणितज्ञ है उसकी एज 32 साल से कम होनी चाहिए, मतलब 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि वो अपने एरिया में काफ़ी परफेक्ट हो, इसीलिए ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो ये इसका एक फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। देखो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है 2019 का, वो बिग बॉस आप समझ गए होंगे, बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन है, सॉरी, उनको ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अब हमें देखते हैं यहाँ पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में। देखो भारत का सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड है, जिस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑस्कर अवार्ड होता है, उसी तरीके से आप बोलते हो कि इंडिया का एक तरीके का ऑस्कर ही है। तो कि इंडिया की फिल्म सिटी में जितना बड़ा अवार्ड है वो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये अवार्ड है उनको नवाजा है वो जा रहा है। ये देखो किस लिए दिया जाता है, ये बेसिकली उस पर्सन को या उस एक्टर को दिया जाता है जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन सिनेमा को ग्रोथ करने में, डेवलप करने में। तो अमिताभ बच्चन का जो कैरियर है वो काफ़ी अच्छा रहा है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है बॉलीवुड के लिए, इसीलिए उनको इस अवार्ड से नवाजा है वो जा रहे हैं। और बेसिकली ये जो अवार्ड है ये 1969 से स्टार्ट हुआ था, लगता है काफ़ी न्यूज़ है जो 1969 से कनेक्ट हो रही हैं, जैसे कि यार दो तीन न्यूज़ आई हैं वो 1969 से कनेक्टेड हैं। खैर आगे देखते हैं। पहला जो ये अवार्ड था दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये बेसिकली दिया गया था देविका रानी को, जो कि पहली ऐसी लेडी थी इंडियन सिनेमा की जिसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था 1969 में। तो ये इसके कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है सियाचिन ग्लेशियर न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है कि अभी वहाँ जो हमारी आर्मी डिप्लॉय की गई है उस आर्मी ने लगभग 130 टन का सॉलिड वेस्ट है सियाचिन ग्लेशियर से, मतलब कचरा है, उसको वहाँ से हटाया है। काफ़ी बड़ा आप बोल सकते हो कि मैसेज दिया है पूरे देश को, ऑल ओवर वर्ल्ड को, कि भाई इकोसिस्टम है इसके प्रति हमें अवेयर रहना है, काफ़ी बड़ा खतरा इससे हो रहा है, लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक बहुत ही अच्छा ये मैसेज है वो दिया गया है आर्मी के द्वारा। अब हम कुछ सियाचिन ग्लेशियर के कुछ फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है। देखो सियाचिन ग्लेशियर है वो बेसिकली काराकोरम जो रेंज है उसमें स्थित है, जो कि वेस्टर्न हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय का एक हिस्सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ वर्ल्ड का सबसे ऊंचा हाईएस्ट बैटल फील्ड है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जो हुई थी 1984 में, जिसके तहत इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया था और सियाचिन ग्लेशियर को वापस अपने अंडर लिया था। तो वो थोड़ा हम बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। बैकग्राउंड में ऐसी है कि जब 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था ना, तो उस दौरान सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कोई बात नहीं की गई थी बाउंड्री को लेके, तो काफ़ी टैंक इश्यूज हैं आप बोल सकते हो, काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, इसीलिए बाद में धीरे धीरे पाकिस्तानी आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो फिर इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया 1984 में और सियाचिन ग्लेशियर को वापस अपने कब्जे में है वो लिया था, ये आपको ध्यान है फैक्ट वो रखना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, सियाचिन ग्लेशियर से एक इंपॉर्टेंट रिवर भी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा रिवर। अब जो नुब्रा रिवर है वो बेसिकली ट्रिब्यूटरी है सोक रिवर की, और आपको पता है कि सोक रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है या किसकी शाखा है, ब्रांच है, वो है इंडस रिवर सिस्टम की। यानी कि आपको ध्यान रखना है नुब्रा रिवर है वो उसका ओरिजिन है वो है सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि देखो नॉर्थ हिमालय की अगर हम बात करें, यानी कि हमारे इंडिया में नॉर्दर्न हिस्से में जो हिमालय है उसमें जो जो रिवर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इवन वो इंडस रिवर सिस्टम का भी पार्ट है। तो इसलिए हमें ज्योग्राफी के लिहाज से पता होना चाहिए कि कौन से। अब आप ये बताइए कि जो सोक रिवर है वो इंडस जो रिवर सिस्टम है इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है या फिर लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ ही सियाचिन ग्लेशियर में इंपॉर्टेंट स्पीसीज भी पाई जाती हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड पाया जाता है, इसी के साथ ही ब्राउन बियर है वो भी पाए जाते हैं। अब आपको लिए आप एक क्वेश्चन और है, वो ये है कि जो स्नो लेपर्ड है वो बेसिकली IUCN की कौन सी लिस्ट में है, इंडेंजर्ड, वनरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आज के लिए आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है CHC फार्म मशीनरी एप्लीकेशन। देखो CHC फार्म मशीनरी एप्लीकेशन है ये एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। इस एप्लीकेशन का मोटो ये है कि भाई वो फार्मर जो कि सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह खुद नहीं खरीद सकते,
अब आपको पता है कोई किसान खेती कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो ट्रैक्टर भी खरीदेगा, आगे और भी जो सोर्सेज वगैरह होते हैं कटाई वगैरह के लिए सारी मशीनें खरीद पाए। अकेले फार्मर के लिए सब पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए उसको किराए पर लेनी होती है, कहीं से हायर करनी होती है, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना क्रिएट करना पड़ता है। तो अब होगा क्या, ये जो एप्लीकेशन बनाया गया है CHC फार्म मशीनरी एप्लीकेशन, CHC का मतलब है यहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर, यानी कि सेंटर बना दिए गए हैं वहाँ पे किसान अपने जो जिस किसान के पास मशीन है वो रजिस्टर भी करवा सकता है, और फिर जिस किसान को ज़रूरत होगी वो इस एप्लीकेशन के थ्रू मतलब उनको हायर भी कर सकता है। तो वो रेंज दी गई है यहाँ पे 50 किलोमीटर की, तो रेंज वगैरह तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें लॉजिक की तरफ समझना है। इसका फायदा सबसे ज़्यादा होगा मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को, क्योंकि वो इजीली मार्केट में जो उनको मशीनें नहीं मिलती थी टेक्निकल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, वो उनको अभी आराम से मिल जाएंगे, और इसी के साथ ही उनको ज़्यादा कॉस्ट वगैरह नहीं होगी, लागत पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज उनको मशीन खरीदने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा है वो आ जाता था। इसी के साथ किसान है वो अच्छी मशीनों का यूज़ कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, इससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो जो मशीन की जो किसानों को खर्चा होता था वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, यानी कि किसान है अपनी लागत को और ज़्यादा बचा सकेंगे। तो ये होगा CHC फार्म मशीनरी एप्लीकेशन के बेनिफिट। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है ग्लोबल इंटरनेट फॉर्म टू काउंटर टेररिज्म, GIFCT। देखो कंटेक्स्ट की तरफ जाने से पहले हम दो तीन चीज़ें देखते हैं। पहले तो हम जानते हैं ग्लोबल इंटरनेट फॉर्म टू काउंटर टेररिज्म है क्या। देखो यह बेसिकली 2017 जुलाई में सेटअप किया गया था, जो कि सोशल जो साइट्स कंपनीज हैं इनका एक ग्रुप है, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इन कंपनीज का टारगेट ये है कि भाई जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना इनको टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ है वो ना किया जाए। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे फेसबुक हुई, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, यूट्यूब, ऐसी कंपनीज हैं इनका एक ग्रुप है, और इसका मोटो यह है कि भाई इस प्लेटफॉर्म में इन प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो जो कि टेररिज्म को प्रमोट कर रही है या फिर टेररिज्म को सपोर्ट कर रही हो। तो इसीलिए आपस में नॉलेज है वो भी शेयर किया जाए एक दूसरी कंपनी के साथ, और टेक्निकल कोलाब्रेशन भी किया जाए, कुछ ऐसे टूल्स भी यूज़ किए जाएँ ताकि टेररिज्म है उसको रोका भी जा सके। इसके लिए बेसिकली ये GIFCT जो ग्रुप है वो बनाया गया था, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि है स्वतंत्र रूप से काम है वो करता है। 2017 में इसको सेटअप है वो किया गया था। ये तो हो गया GIFT। एक चीज और है यहाँ पे वो हम देखते हैं, वो है यहाँ पे आपके नाम सामने ही है, वो है क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन। तो क्या है ये क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन? देखो आपको ध्यान होगा अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूजीलैंड में एक चर्च पे अटैक हुआ था, उसमें और काफ़ी लोगों की जाने चली गई थी, लगभग 50 लोगों की जाने चली गई थी और 20 के आसपास लोग काफ़ी ज़्यादा इंजरी या घायल है वो हो गए थे। ये एक न्यूज़ आई थी, काफ़ी मीडिया में हाईलाइट भी रही थी कि काफ़ी बड़ा अटैक है वो हुआ है। अब देखो उसी के ऊपर बेसिकली ये क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन है वो एडॉप्ट किया गया है। क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि भाई जो भी ये हिंसक एक्टिविटीज़ होती हैं, टेररिज्म जैसी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ होती है ना, ये ऑनलाइन वगैरह सरकार है इनका डाटा है वो एक तरीके से मतलब उनको काउंटर करे, रोक के रखे। इसी के साथ ही जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि कोई भी आप मान लो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होगी, जैसे कि इंडिया में एयरटेल, वोडाफोन और भी सारी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, आइडिया वगैरह, तो इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी चीज़ों को रोकें। मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे भी जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट प्रतिबंध लगा रही है कि भैया आप इन चीज़ों को रोकिए, फिल्टर वगैरह लगा के यूज़ कीजिए ताकि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ है वो ना फैले। इसी के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़नी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ सर्विस ही रोक दो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी एक जिम्मेदारी इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको मैं सीधी लैंग्वेज बोलूँ तो क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन है वो एक इनिशिएटिव है जो कि न्यूजीलैंड सिटी में जो धमाक मतलब आप बोल सकते हो कि जो केस हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों की जानें चली गई थी, उसके बाद लेके गया आया गया टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। इसके लिए एक सबमिट भी किया गया था जिसका नाम था ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म सबमिट, पेरिस में आयोजित है वो किया गया था और उसके तहत से लॉन्च है वो किया गया था। तो ये दो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ देखी। अब हम देखते हैं कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट ये है कि अभी न्यूजीलैंड और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो अभी मिले और उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसमें डिस्कस किया कि भाई जो क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन में जो जो एक्शन लेने की बात की गई थी उसमें क्या क्या रिजल्ट है, क्या क्या प्रोसीजर की गई है, कौन कौन से मतलब रिजल्ट हैं वो आने हैं, कहाँ कहाँ अच्छे स्टेप हैं उठाए गए हैं, उस बात पर चर्चा है वो की गई है। तो आई होप अब आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।